हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लैपटेक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं ओपेम की स्विचिंग। पहले हमने पढ़ा है डायोड की स्विचिंग, जेनर डायोड की स्विचिंग, मॉसफेट की स्विचिंग पढ़ी हमने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉसफेट्स, ई मॉसफेट, डी मॉसफेट और जेफेट की स्विचिंग पढ़ी। उसके बाद हमने बीजेटी की स्विचिंग पढ़ी, फिर हमने उसके सारे स्कीमेटिक्स पे देखा कैसे स्कीमेटिक पे उसकी स्विचिंग होती है। एप्पल के स्कीमेटिक्स में भी देखा और जेनरिक लैपटॉप्स के स्कीमेटिक्स में भी हमने उसे देखा, और प्रैक्टिकली भी हमने चेक किया कि कैसे हम उसकी फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं और कैसे वोल्टेज आने पे कोई मॉसफेट का चैनल ऑन हो जाता है या कोई भी डायोड ब्लॉक करता है या वो स्विच करता है। ये सारी चीज़ हमने स्कीमेटिक में भी देखी और प्रैक्टिकली भी देखा। अब हम पढ़ने वाले हैं एक नई चीज़ जो है ओपेम की स्विचिंग। ओपेम क्या है? ओपेम मतलब है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये एक स्विचिंग डिवाइस है जिसके अंदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स लगे होते हैं जो BJTs और MOSFETs के बने होते हैं, उसी का एप्लीकेशन है ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसे क्यों बोलते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस में इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ को हम लोग वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ ये यूज़ होगा और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, उसकी डिटेल्स और उसके हर एक पार्ट्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले इसका आज हम अभी इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ओपैम जो है वो क्या चीज़ है और कैसे उसकी एप्लीकेशन हम स्कीमेटिक्स में करेंगे। ठीक है, तो ये ओपैम का सिंबल है, ये एक ट्रायंगल है। इसमें आप देख सकते हैं पांच टर्मिनल, जो इन शॉर्ट आपको पांच टर्मिनल दिख रहे हैं जो इसकी मेन टर्मिनल्स हैं, और ये इसका प्रैक्टिकल आईसी पैकेज है। एक्चुअली ये डुअल ओपैम्प का पैकेज है जो LM373 हमारा आईसी है, ये हमारी डुअल ओपैम्प आईसी है। पढ़ेंगे इसके बारे में भी कि इसकी यूजेस क्या है। अब देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये हमारा तीन टर्मिनल डिवाइस है। पहला टर्मिनल जो है इसका ऐसे दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या होगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल कहने का मतलब जो यहाँ पर इनपुट होगा इसका उल्टा आउटपुट हमें मिलेगा। अगर यहाँ पर हमने 5+5 दिया है तो इसे क्या पता चलेगा इस ओपैम को कि ये -5 वोल्ट है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने यहाँ पर +5 दिया है तो इसे क्या पता चलेगा, ये +5 वोल्ट इसके पास आ रहा है। अब क्योंकि ये जो है हमारा नॉन इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग टर्मिनल कहने का मतलब क्या है, इन्वर्ट मतलब क्या, उल्टा, उलट देना उसे। तो अगर कोई भी इनपुट उस टर्मिनल पे आएगा इन्वर्टिंग, इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो वो इनपुट जो है वो अपने ओरिजिनल वैल्यू से उल्टा इन्फॉर्मेशन देगा ओपैम के इंटरनल सर्किट को, और उसे पता चलेगा कि हमारा इंटरनल सर्किट जो है वो इसका उल्टा रीड कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं ये जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये पॉजिटिव सप्लाई को रीड करेगा, अगर नेगेटिव सप्लाई है तो उसे नेगेटिव ही रीड करेगा, पर जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई को नेगेटिव रीड करेगा और नेगेटिव सप्लाई को पॉजिटिव रीड करेगा। अब हम देखेंगे ऐसा एक एप्लीकेशन, जब गेट्स पढ़ेंगे हम तो गेट्स में भी इसका एप्लीकेशन है जहाँ पर वो नॉट गेट कहलाता है, जब हम जो इनपुट देते हैं उसका जस्ट अपोजिट और उसका कॉम्प्लीमेंट हमें मिलता है आउटपुट पर। ठीक है, ये दो टर्मिनल आपके समझ में आ गए, ये एक इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है जो नेगेटिव साइन से दिखाते हैं हम, और एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है जो हमें पॉजिटिव साइन से दिखता है। इसके अलावा एक आउटपुट होता है इसका। अब इस दोनों के मैनिपुलेशन करने के बाद हमें एक आउटपुट मिलता है ओपैम्प में। अब इस दोनों का मैनिपुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या ले सकते हैं, हम दोनों पे पॉजिटिव सप्लाई दे सकते हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव दे सकते हैं, एक को ग्राउंड कर सकते हैं या दोनों को ही ग्राउंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें फीडबैक लगा सकते हैं, तो फीडबैक भी दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो नेगेटिव पे। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक क्या होता है, अगर किसी आउटपुट से हम टैपिंग करके इनपुट पे टैपिंग करें, आउटपुट की वोल्टेज को इनपुट से टैपिंग करें, तो उसे हम फीडबैक बोलते हैं। तो आउटपुट से हम अगर इनपुट पे नेगेटिव पे लगाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, और इस आउटपुट टर्मिनल से पॉजिटिव पे लगाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ें। तो चलिए अब हम लोग ओपैम्प की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ ओपैम्प को हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन जो है ओपैम्प का वो है एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स का मतलब क्या है कि जो भी हमारा इनपुट है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा करके हमें आउटपुट में मिलेगा। अगर ये इनपुट वोल्टेज को आउटपुट में बूस्ट कर रहा है तो उसे हम एम्पलीफायर बोलेंगे। बट एम्पलीफायर और बूस्ट कन्वर्टर में काफ़ी डिफरेंस है। एम्पलीफायर में स्विचिंग नहीं होती है, बूस्ट कन्वर्टर में स्विचिंग होती है। इसका डिफरेंस क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी एम्पलीफायर्स पर रहते हैं हम लोग। तो एम्पलीफायर्स, ओपैम्प जो है वो एम्पलीफायर्स की तरह कैसे यूज़ हो सकता है? ये ओपैम्प जो है एम्पलीफायर की तरह तब यूज़ होगा जब हमें फीडबैक, मतलब जो आउटपुट से इनपुट का कनेक्शन है वो नेगेटिव टर्मिनल पे होगा। जब आउटपुट इनपुट पे नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट होगा तो ये जो है फीडबैक नेगेटिव कहलाएगा, और इस नेगेटिव फीडबैक में ही हमारा ओपैम्प जो है वो
एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। बट ये जो फीडबैक है ये हमेशा नेगेटिव पे ही रहना चाहिए एम्पलीफायर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब फीडबैक नेगेटिव पर होगा तभी ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो बट इनपुट हमारा यहाँ इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी हो सकता है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी हो सकता है। तो अगर इनपुट हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है तो ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा, अगर इनपुट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पर है तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा। अब ये एम्पलीफायर है तो आउटपुट पे वोल्टेज जो है वो जाहिर सी बात है इनपुट से ज़्यादा देगा, बट वो कितना ज़्यादा देगा और वो किस पे डिपेंड करेगा ये हम लोग अभी देखते हैं। ये मैंने ये फॉर्मूला लिखा है दो, इसका एक ये और ये दोनों ही डिराइव होता है थ्योरेटिकली। हम थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं जाएंगे, हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम अगर हमें इतने आउटपुट की ज़रूरत है और हम एक ओप एम्प लगा दें तो हमें इनपुट से इतना आउटपुट मिल जाएगा, उसके लिए हमें इस दो रेजिस्टेंस की वैल्यू को सिर्फ चेंज करनी होगी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमें इनपुट पे 5 वोल्ट है तो चलिए अब हम लोग ओप एम्प का जो एप्लीकेशन है ऑसिलेटर और कंपैरेटर इस पर देखते हैं कि ओप एम्प यहाँ पर कैसे एक ऑसिलेटर की तरह काम करता है और कैसे ये कंपैरेटर की तरह काम करता है। पिछले अभी मैंने इससे पहले बताया आपको कि जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो उस केस में वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। पर वो नेगेटिव फीडबैक हम उसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आउटपुट से हम जो कनेक्शन करते हैं उसके नेगेटिव टर्मिनल पर करते हैं, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अगर हम आउटपुट से टैपिंग लेके जोड़ते हैं तो वो नेगेटिव फीडबैक होता है। बट हम अगर हमें ऑसिलेटर की तरह ओपैम को यूज़ करना है तो ओपैम ऑसिलेटर की तरह तब यूज़ होगा जब इसका आउटपुट जो है वो इसके इनपुट से पॉजिटिव टर्मिनल पर जुड़ा होगा। अगर इसका आउटपुट इसके इनपुट पे पॉजिटिव टर्मिनल पर जुड़ा होगा तो इसे बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फीडबैक, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इसका कनेक्शन होगा, रेजिस्टेंस का कनेक्शन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होगा, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। इस पॉजिटिव फीडबैक के केस में ये ओपैम जो है ये एक ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। इसमें और भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, यहाँ पे एक चार्जिंग कैपेसिटर होता है, इसके साथ एक डिस्चार्जिंग कैपेसिटर होता है, यहाँ पर एक कैपेसिटर होता है। तो ये इसका डिफरेंट एप्लीकेशन है, ये मोनोस्टेबल वाइब्रेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम, इसे बाइस्टेबल वाइब्रेटर भी यूज़ होता है इसमें, इसमें हमारा स्मिट ट्रिगर की एप्लीकेशन भी आती है। वो एडवांस लेवल पे हम लोग देखेंगे कि वो वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन कैसे कैसे होती है, बट अभी बेसिक देख रहे हैं हम लोग कि ऑसिलेटर जो है वो कैसे काम करता है और ऑसिलेशन से हमें क्या फ़ायदा होगा। ऑसिलेशन से क्या फ़ायदा होगा कि अगर हम इसमें डीसी सप्लाई देते हैं इसके पास, मान लीजिए कोई +5 वोल्ट या +2 वोल्ट की सप्लाई इसके इनपुट पर दी गई है तो ये आउटपुट जो निकालेगा वो एक स्क्वायर वेव फॉर्म निकालेगा या ये एक साउथटूथ वेव फॉर्म भी निकाल सकता है। ये स्क्वायर वेव फॉर्म है, ये साउथटूथ। तो अभी तक मैंने आपको ओप एम्प के एम्पलीफायर का केसेस बताया है, ओप एम्प जो है वो कैसे ऑसिलेटर की तरह यूज़ होता है ये बताया आपको, और मैंने आपको ये भी बताया कि ओप एम्प जो है वो कंपैरेटर की तरह कैसे यूज़ होता है। तो इन तीनों केसेस में मैंने आपको डिफरेंस बताई कि अगर हमें एम्पलीफायर की तरह ओप एम्प को यूज़ करना है तो हमें नेगेटिव फीडबैक चाहिए, ठीक है, और अगर हमें ऑसिलेटर की तरह ओप एम्प को यूज़ करना है तो हमें पॉजिटिव फीडबैक चाहिए उसके टर्मिनल पर। और अगर हमें कोई फीडबैक नहीं लगा हुआ है किसी सिस्टम में, अगर ओप एम्प में कोई फीडबैक नहीं है आउटपुट से इनपुट पे, तो वो एक कंपैरेटर की तरह काम करेगा। अब हम थोड़े इसके एडवांस जो एप्लीकेशन है उस पर देखते हैं कि वहाँ पे ओप एम्प जो है वो कैसे यूज़ होता है। ये आप देखिए, ये दो एप्लीकेशन है ओप एम्प का, एक डिफरेंशियल की तरह यूज़ होता है, एक समिंग एम्पलीफायर की तरह यूज़ होता है। इसलिए इसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं क्योंकि ये ऑपरेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, समिंग का ऑपरेशन भी कर रहा है और डिफरेंस निकालने का भी ऑपरेशन कर रहा है, इसलिए हम इसे डिफरेंशियल और समिंग एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह ये काम कैसे करेगा, तो अब हम देखते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए पहले केस है कि हमें नेगेटिव फीडबैक चाहिए, तो हम देखेंगे नेगेटिव फीडबैक है या नहीं है। हाँ, तो यहाँ देख रहे हैं आप आउटपुट से जो है ये इनपुट के नेगेटिव टर्मिनल पर एक फीडबैक आया है, तो ये एक नेगेटिव फीडबैक है, तो ये एक एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। और डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, किसी दो प्रोडक्ट किसी दो चीज़ के बीच में डिफरेंस निकालते हैं हम, तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है वो V1 और V2 है, दो इनपुट है इसके पास, इस दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, इसलिए ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहलाता है।